के बगैर हर अमल बेकार है, इश्के मुस्तफा के बगैर याद रख जन्नत की चाबी मुस्तफा के पास। समझ रहे ना? हाँ, मुस्तफा के बगैर तो कोई जन्नत में भी नहीं जा सकता। कोई कितनी कोशिश कर ले, जन्नत में लेके जाएंगे हमारे आका। तो हजरात शायर ने इसीलिए फरमाया, कहा कि याद रख जन्नत की चाबी मुस्तफा के पास है। ये लोग नबी का जिक्र नहीं करते, अल्लाह अल्लाह करते हैं। अब बताओ, बिना जीने के, बिना बिना किसी सहारे के कोई ऊपर चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता। छत पे चढ़ने के लिए जिस तरह से जीने की जरूरत है, इस तरह से अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीले की जरूरत है। एक शेर पढ़ता हूँ, जिसको शेर कहते हैं, समझ रहे हैं? सैदिया खुर्द के जिंदा दिल मुसलमानों, एक शेर जिसको शेर कहते हैं, और शेर समझ लेना, समझ रहे हैं? शेर समझ लेना। अगर आपने शेर को नहीं समझा तो हो सकता है शेर आपको समझ ले, और शेर समझेगा तो फिर समझ सकते हैं, खतरा हो सकता है। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, समाज करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। थोड़ी सी आवाज और निकाल दें ताकि और जज्बा आ जाए। अब माशाल्लाह लगना चाहिए कि और दो से बोले या रसूल अल्लाह। पहले का ये दौर था कि सैबिया खुर्द को, हाँ सही कह रहे हैं, रोटी खा के आए हैं, हक अदा करेंगे इंशाल्लाह। जी, पहले का दौर था, सैबिया खुर्द को कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते थे। मगर जब से तुम्हारे गांव में नबी के नाम का जलसा हुआ, नबी के नाम की महफिल सजी है, अल्लाह का करम है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। ये करम है, ये किसी की कोई शान नहीं है, ये मुस्तफ़ा के जिक्र की बरकत है, है ना? मुस्तफ़ा के जिक्र की बरकत है। और इंशाल्लाह सैबिया खुर्द के मुसलमान, हम हिंदुस्तान में जगह जगह जाना होता है। हम कहते हैं कि हमारे इलाके पटवाई के बराबर में एक गांव है जिसका नाम सैबिया खुर्द है, और वहाँ के मुसलमान कम भी हों तो दम रखते हैं माशाल्लाह। एक शेर मैं आपके हवाले से पढ़ना चाहता हूँ, आप सभी हजरात गाँव वालों के हवाले से। एक मरतबा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। और अभी इस टाइम आपके गाँव के इस प्रोग्राम को अपना अजहरी नेटवर्क की जानिब से पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। सिर्फ एक ही जिला रामपुर या जिला बरेली नहीं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान आपके जलसे को देख रहा है। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। कई सालों के बाद तकरीर सुनेंगे, मौलाना समीर रजा रामपुरी बैठे हैं और इनका बयान कई सालों बाद सुनने मिलेगा, और इंशाल्लाह वही जज्बा, वही बेदारी इंशाल्लाह आज आपको देखने को मिलेगी। और आप देखें, ये फैज़ाने हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह है, जो मौलाना समीर रजा रामपुरी पूरे हिंदुस्तान में नबी का जिक्र अपने लबों पर सजा के सफ़र करते हैं। शेर पढ़ता हूँ, समाप्त कर लें, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। आप भी सोच रहे हैं बड़ी देर से शेर पढ़ने के रहा है, मगर सुभान अल्लाह बुलवाते जा रहे हैं। काम लेना पड़ेगा ना, काम लेना पड़ेगा। शेर समाप्त करें, फकत सरों को झुकाने से कुछ नहीं होगा। लोग झुकाते हैं ना, सजदा करते हैं, हम कहते हैं वो लोग सजदा करते हैं, सजदा सजदा नहीं होता है। शायर ने कहा, उन्हें नमाज में सजदा दिखाई देता है। वो सजदा करते हैं तो उन्हें सजदा ही लगता है ना। हम क्या कहते हैं, उन्हें नमाज में सजदा दिखाई देता है, हमें हुजूर का जलवा दिखाई देता है। उन्हें समझ गए, दो दर्जन केलो को मिला लो, अरे 30 में से 6 कम कर दो, अब तो समझ गए होंगे ना, ऊंचे पैजामे वाले। शेर पढ़ता हूँ, समाज करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। उन्हें नमाज में सजदा दिखाई देता है, हमें हुजूर का जलवा दिखाई देता है। उन्हें नमाज में सजदा दिखाई देता है, हमें हुजूर का जलवा दिखाई देता है। और यही आरज़ू है, वहीं पर पहुंचकर दम निकले, जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। यही आरज़ू है, वहीं पर पहुंचकर दम निकले, जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। वो शेर जो आपको सुनाना चाहता हूं, फकत सरों को झुकाने से कुछ नहीं होगा, अगर हुजूर ना माने तो कुछ नहीं होगा।
लबे बिलाल से कलमा हटा नहीं सकते। सता रहे हो, सताने से कुछ नहीं होगा। लबे बिलाल से कलमा हटा नहीं सकते। सता रहे हो, सताने से कुछ नहीं होगा। आइए हजरात आपकी समातों की दहलीज पर शहंशाह खिताबत मुबल्लिग सुन्नियत इस्लामिक स्कॉलर खतीब हिंदुस्तान खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना समीर रजा रामप्री को आप हजरात की समातों के हवाले में करना चाहता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ वो इल्म अदब का शहजादा आपके सामने आए, आपकी निगाहों का मरकज बने, कुर्सी खिताबत पे वो आपके सामने बैठे, तो आप इस अंदाज से समात करें। आपके अंदाज को देखने के बाद मौलाना समीर रजा रामपुरी कहें कि हिंदुस्तान के बड़े जलसे में इनका बयान हो रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खतीब हैं जिनको आप कई मरतबा सुन चुके हैं। आइए फरमाइश के मुताबिक इस साल भी इनको बुलाया गया है, इनका बेहतरीन खिताब हमें समाप्त करना है। इनके आने से पहले एक मरतबा जोरदार नारा लगाएं, मोहब्बत के साथ हाथ उठाइए और खतीब अहले सुन्नत मौलाना समीर रजा रामपुरी का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, जश्ने ईद मीलादुन नबी, मौलाना समीर रजा रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो तीरो तमर के घमासान में हंसता है, जब मौत से लड़ता है उस आन में हंसता है। मेरे खुदा तेरे असगर के अंदाज निराले हैं, झूले में तो रोता है, मैदान में हंसता है। हिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबियन व आदम बैनल माई वत्तीन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन अम्मा बाद फऊसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم المبين المتين المعين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے حضرات ہم بلا تاخیر सबसे पहले गुम्बद खजरा में आराम फरमाने वाले आका अब्दुल्ला के लाल, आमिना के जान, बेकसों के कस, सहारों के सहारा, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका जनाब अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह अक्दस में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليك صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مائک والوں کا نام مستقیم بھائی کیا نام شریف بھائی ان کالموں کی آواز تھوڑی کھولو مجھے بہت منہ لگا کر بولنا پڑ رہا ہے تاکہ میں دور سے بولوں تو صاف آواز آئے تھوڑی ان کی آواز تیز کر دیجئے ہاں یہاں رکھیں ٹھیک ہے لیکن اس سے بس سیٹی بند کر دیں تھوڑی سی بحث کھول دیں بس حضرات ممبرِ رسول پر معزز علماء کرام نقیب اہل سنت میرے چھوٹے بھائی حضرت حافظ و قاری سمیع اختر رامپوری صاحب قبلہ شاعر اہل سنت حافظ و قاری بڑے بھائی مستقیم رضا صاحب قبلہ اور اس محفل میں آنے والے میرے بزرگ اور دوستو نوجوان ساتھیو پڑھتے سے سننے والی ماں اور بہنوں سبھی کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات مجھ سے قبل آپ بہت اچھے انداز میں نعت منقبت اور نقابت سماعت کر رہے تھے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آج
हम सब यहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक्दस में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। और आज हम यहाँ पर हाजिर हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबके घरों में रहमत की बारिश अता फरमाए। जिसको जो परेशानी है अल्लाह ताला उसकी परेशानी को दूर कर दे। जिसकी जो तमन्ना है अल्लाह ताला उसकी तमन्ना को पूरा कर दे। बहुत बड़ी बात है, हमारे आसिफ भाई ने और उनके वालिद ने और भी जो लोग हैं उन्होंने मिलकर इस प्रोग्राम को सजाया है। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उन सब की उम्र में, इल्म में, अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और हम सबको भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। मैं थोड़ी देर बोलूँगा लेकिन जितनी देर भी बोलूँगा आपको एक अच्छा पैगाम देकर जाऊँगा। अगर आप मोहब्बत के साथ में मेरी गुफ्तगू को सुनेंगे तो मुझे कोई अपनी तकरीर पर फख्र नहीं है। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से मायूस नहीं होता हूँ, क्योंकि उसकी रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा है, जब तक मैं बोलूँगा आप उसको सुनोगे तो इंशाअल्लाह आप मेरी तकरीर को आज ही नहीं, कल ही नहीं, बल्कि बरसों तक याद रखोगे। अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे तो मैं मोहब्बत से आपको सुनाऊंगा। एक मर्तबा आप और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और दुआ करता हूँ कि जब तक मैं बोलूँ अल्लाह ताला मुझे हक बोलने की तौफीक अता फरमाए और उसको सुनकर आपको अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अच्छे रजा प्यारे रजा सच्चे रजा निराले रजा इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक्दस में खिराज अकीदत पेश करते हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। फरमाते आला हजरत हुजूर की बारगाह अक्दस में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं और फरमाते हैं आला हजरत या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और फरमाते हैं आला हजरत या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फरमाते हैं आला हजरत सुबह तैबा में हो बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हो बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है मैंने नूर तेरा सब खराना नूर का, ए रजा ये अहमद नूरी का फैज नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। एक मर्तबा सारा मजमा बेदारी का सबूत दे मोहब्बत का सबूत दे, दोनों हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। आज हम सहबिया खुर्द में बैठकर नबी के मिलाद की महफिल सजाए हुए हैं और नबी के मिलाद की खुशी मना रहे हैं, नबी के मिलाद की खुशी मना रहे हैं, आका का मिलाद मना रहे हैं। और आका का मिलाद मनाने के लिए हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है। आप कहोगे कैसे हुक्म दिया है, अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है वा अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, ए मेरे बंदो अपने रब की नियमत का खूब तस्किरा करो, अपने रब की नियमत का खूब चर्चा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेशुमार नियमतें हैं, ये आंखें उसकी नियमत है,
ये हाथ उसकी नेमत है, ये पैर उसकी नेमत है। अगर हम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहें तो उसकी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को ये हुक्म दे रहा है, मेरे बंदो मेरी नेमतों का खूब तस्किरा करो, मेरी नेमतों का खूब चर्चा करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है, अगर अल्लाह ताला की सबसे बड़ी कोई नेमत है तो वो मेरे मुस्तफा की जात है। बेशक सुभान अल्लाह, अगर सबसे बड़ी कोई नेमत है तो वो मुस्तफा की जात है। मुस्तफा नेमते उज़्मा है, क्या बात, मुस्तफा नेमते कुबरा है। तमाम जो नेमतें मिली है वो मुस्तफा के सदके में मिली है। अगर मुस्तफा ना होते तो ये आंखें ना होती, अगर मुस्तफा ना होते तो ये कान नहीं होते, अगर मुस्तफा ना होते तो चांद नहीं होता, अगर मुस्तफा ना होते तो सूरज नहीं होता, मुस्तफा ना होते तो कुछ भी नहीं होता। तो तमाम जो नेमतें मिली हैं वो मुस्तफा के सदके में मिली है। तो मुस्तफा नेमते उज़्मा, मुस्तफा नेमते कुबरा सबसे बड़ी मुस्तफा नेमत है। और अल्लाह क्या फरमा रहा है, ए मेरे बंदो अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो, अपने रब की नेमतों का खूब तस्किरा करो। तो आज हम नबी का मिलाद मना रहे हैं और अपने रब की नेमत का खूब तस्किरा कर रहे हैं, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा कर रहे हैं। और आज आप देखो पूरी दुनिया में नबी का मिलाद मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम आसिफ रजा रामपुरी, शायर इस्लाम आसिफ रजा बारसी, हजरत मौलाना कारी नईम साहब कबला, हजरत मौलाना कारी नईम साहब कबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार दुरूद पाक पढ़ना, अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह। हजरत आपने अपनी आंखों की निगाहों से देखा, माथे की निगाहों से देखा कि आपके सामने हजरत मौलाना कारी नईम साहब और शायर अहले सुन्नत बड़े भाई आसिफ रजा साहब स्टेज पर आ चुके हैं। आप इनके बहुत अच्छे अंदाज में कलाम समाप्त फरमाएंगे और आप हजरत से बहुत अच्छे अंदाज में तकरीर समाप्त फरमाएंगे। अभी आप मुझे थोड़ी देर समाप्त करें, तो क्या बात चल रही है कि नबी का मिलाद पूरी दुनिया में आज मनाया जा रहा है। समी भाई आपकी तवज्जो चाहूंगा, आसिफ भाई बैठे। नबी का मिलाद पूरी दुनिया में आज मनाया जा रहा है। आज हमारे आसिफ भाई ने मेहनत की, आसिफ भाई की मेहनतों की वजह से आज हम यहाँ पर नबी का मिलाद मना रहे हैं। अगर आज आप यहाँ से आगे बढ़ो तो पूरे रामपुर के अंदर नबी का मिलाद मनाया जा रहा है। आप और आगे बढ़ो तो मुरादाबाद के अंदर नबी का मिलाद मनाया जा रहा है। आप और आगे बढ़ो तो अमरोहा के अंदर नबी का मिलाद मनाया जा रहा है। गजरोला के अंदर नबी का मिलाद मनाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर नबी का मिलाद मनाया जा रहा है। बरेली के अंदर नबी का मिलाद मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर नबी का मिलाद मनाया जा रहा है। तेलंगाना के अंदर नबी का मिलाद मनाया जा रहा है। बंगाल और बिहार के अंदर नबी का मिलाद मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र मुंबई के अंदर नबी का मिलाद मनाया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने, खित्ते खित्ते, सूबे सूबे में आज नबी का मिलाद मनाया जा रहा है। बल्कि आज नबी के मिलाद की महफिलें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमरीका, जर्मनी, जापान, हॉलैंड, मलेशिया, सीरिया, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, भूटान, मशरिको, मगरिब, शिमालो, जुनूब, पूरी दुनिया में आज नबी का मिलाद मनाया जा रहा है। और हर जलसे से ये सुन्नी नारा लगा रहा है, हर जलसे से ये सुन्नी ऐलान कर रहा है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और आला हजरत ने दुनिया वालों को ये पैगाम दिया कि नबी का मिलाद मनाते रहेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के तिलाए गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलाद उन नबी नारे तकबीर। भाई वाह वाह, बहुत आला हजरत ने ये दुनिया वालों को पैगाम दिया कि जलने वाले जलते रहेंगे लेकिन हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं
खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। क्या बात, जब तक हमारे सीने में दम है हम अपने नबी का जिक्र करते रहेंगे, अपने नबी के मिलाद की महफिल सजाते रहेंगे, क्योंकि मुस्तफा नूर है, आज पूरी दुनिया उनकी वजह से चमक रही है। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाह की नूरु व किताबु मुबीन, ए मेरे बंदो तहकीक के तुम्हारे पास आया एक नूर और एक रोशन किताब। यहाँ नूर से मुराद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका है, मेरे आका मुराद हैं। अब ये नूर कब आया, ये नूर कब आया, आके नूरे मुस्तफा ये कब बना, नूरे मुस्तफा कब बना, नूरे मुस्तफा जब बना जब कब भी ना था, नूरे मुस्तफा कब बना जब कुछ भी ना था, ना चांद था ना सूरज था ना सितारे थे, कुछ भी ना था लेकिन नूरे मुस्तफा था। कब बना नूरे मुस्तफा, हदीस कुदसी है, तवज्जो करें तवज्जो करें, हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी किसको कहते हैं, कलाम अल्लाह का होता है, ज़बान मुस्तफा की होती है। हदीस कुदसी है, सरकार फरमाते हैं, अव्वलु मा खलकल्लाहु नूरी, अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिसको पैदा फरमाया वो नूर है। एक और हदीस कुदसी है, अव्वलु मा खलकल्लाहु अर्शा, अल्लाह ताला ने जिसको सबसे पहले पैदा किया है वो अर्श है। एक और हदीस कुदसी है, सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अव्वलु मा खलकल्लाहु कलम, अल्लाह ताला ने जिसको सबसे पहले पैदा किया है वो कलम है। आप यहां पर देखो, एक हदीस कुदसी है, हदीस नूर, एक हदीस कलम है, एक हदीस अकल है, एक हदीस अर्श है, चार हदीसें हैं। तो इससे क्या पता चलता है, आखिर सबसे पहले किस चीज को बनाया। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं, अव्वलियत हकीकिया पर अगर कोई चीज महमूल है तो वो नूर मुस्तफा है, बाकी जो तीन चीजें हैं वो इजाफिया या उर्फिया पर महमूल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर सबसे पहले किसी को पैदा फरमाया है, किसी चीज को बनाया है तो वो नूर मुस्तफा है, सबसे पहले अगर कुछ बना तो वो मुस्तफा का नूर बना है। आओ मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ, आपको चलेगा। एक मर्तबा सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह बता दिया जाए अल्लाह ताला ने आपको बेसत से कब नवाजा, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जसद के दरमियान था, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जसद के दरमियान थे। एक और हदीस पाक सुने, एक मर्तबा गैबदा नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से पूछा, ए जिब्राइल मुझे बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी एज कितनी है। तो हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मैं ये तो नहीं जानता मेरी एज कितनी है, मेरी उम्र कितनी है, हम इतना जानता हिजाबे राबे में, चौथे हिजाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत के चौथे हिजाब में एक सितारा चमकता था, और या रसूल अल्लाह वो सितारा 70,000 साल के बाद में एक मर्तबा चमकता था। या रसूल अल्लाह उस सितारे को मैंने 73,000 मर्तबा देखा है, उस सितारे को मैंने 73,000 मर्तबा देखा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल व इज्जती रब्बी अना जालिकल कौकब, मुझे अपने रब की सब वो सितारा और कोई नहीं था, वो नूरे मुस्तफा था। अब क्या पता चला, मेरे मुस्तफा हजरत आदम से पहले, मेरे मुस्तफा हजरत नूह से पहले, मेरे मुस्तफा हजरत शुएब से पहले, मेरे मुस्तफा हजरत शीस से पहले, मेरे मुस्तफा हजरत इब्राहिम से पहले, मेरे मुस्तफा हजरत इस्माइल से पहले, मेरे मुस्तफा हजरत मूसा से पहले, मेरे मुस्तफा हजरत ईसा से पहले, मेरे मुस्तफा तमाम नबियों से पहले हैं। इस वजह से डंके की चोट पर कहता हूँ, तू शाह खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, मिला है उसने दबाब तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न-ए-ईद मीलादुन नबी, नारे तकबीर।
बोले सुभान अल्लाह। क्या बात, अगर आपके हाथ सलामत हैं तो दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल, किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। क्या बात है, तू सबसे अव्वल सबसे आखिर, मिला है उसने दबाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा। क्या बात, मोहब्बत से बोल दे और मोहब्बत से बोल दे मगर है ताजा शबाब तेरा। तो अल्लाह ताला ने अगर सबसे पहले किसी चीज को पैदा किया है, किसी चीज को बनाया है, तो वो नूर मुस्तफा है, तो वो नूर मुस्तफा है। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नूर को बनाया तो रखा कहां पर, कहां रखा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नूर को कहां रखा, जब कुछ था ही नहीं, ना चांद था ना सूरज था ना सितारे थे ना जमीन थी ना आसमान था, कुछ भी ना था। तो अल्लाह ताला ने इस नूर को अपने कुर्ब खास में रखा, कुर्ब खास में रखा। उसके बाद में इस नूर को अल्लाह ताला ने हजरत आदम की पुश्त मुबारक में रखा। हजरत आदम की पुश्त मुबारक में जब नूर मुस्तफा आया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। उसके बाद में फरिश्तों ने हजरत आदम को सजदा किया। आप सुनते रहते हैं ये वाकया। उसके बाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में गए, हिकमतन जन्नत से दुनिया में तशरीफ लेकर के आए। उसके बाद में जब उन्होंने तोबा की तो वसीला मुस्तफा देकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की तो अल्लाह ताला ने तोबा को कबूल फरमा लिया। अब जरा तवज्जो करें, जब हजरत आदम ने मुस्तफा का वसीला देकर अल्लाह ताला से तोबा की, अल्लाह ताला ने तोबा को कबूल फरमा लिया और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आदम तुम्हें मुस्तफा का इल्म कैसे हुआ, तुम्हें मेरे हबीब के बारे में कैसे पता चला। अल्लाह ताला जानता है, सब कुछ जानता है, वो तो खालिक है, वो तो मालिक है, वो तो रज़्ज़ाक है। इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर मुमकिन चीज पर कादिर है, वो सब कुछ जानता है, जो होने वाला है वो जानता है, जो होगा वो भी जानता है, सब कुछ जानता है। लेकिन पूछ रहा है, ए आदम तुम्हें मेरे हबीब का इल्म कैसे हुआ। वही बात है ना, जब जिससे मोहब्बत होती है तो जो जिससे मोहब्बत करता है वो ये चाहता है कि वो जिससे मोहब्बत करता है उसका तज़किरा पूरी दुनिया करे। क्या बात, अब मैं समी भाई से मोहब्बत करूं तो मैं ये चाहूंगा कि इनका जिक्र हर कोई करे, इनका तज़किरा हर कोई करे। मैं आसिफ भाई से मोहब्बत करता हूं तो मैं ये चाहूंगा ना इनकी हर कोई तारीफ करे। अगर आप किसी से मोहब्बत करें तो आप ये चाहेंगे कि मेरे महबूब की तारीफ गली गली नगर नगर हो, हर कहीं पर मेरे महबूब का तज़किरा हो, हर कहीं पर मेरे महबूब का चर्चा हो। मुस्तफा अल्लाह के महबूब हैं, मुस्तफा अल्लाह के महबूब हैं। फरमाया, आदम तुम्हें मेरे महबूब का इल्म कैसे हुआ, तुम्हें मेरे हबीब के बारे में कैसे पता चला। तो हजरत आदम ने अरज की, परवरदिगार जब मैं जन्नत में गया था, जब मैं जन्नत में गया था तो मैंने जन्नत के दरवाजों पर मुस्तफा का नाम देखा था, मैंने जन्नत के महल्लात पर मुस्तफा का नाम देखा था, मैंने जन्नत के हूरों के परों पर मुस्तफा का नाम देखा था, मैंने जन्नत के दरख्तों पर मुस्तफा का नाम देखा था, मैंने मुस्तफा का नाम पत्तों पत्तों पर देखा था। इस वजह से मुझे इल्म हुआ। आप ये देखो तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वसीला मुस्तफा देकर अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने तोबा को कबूल फरमा लिया। और सुने, और सुने, मुस्तफा रहमत, मुस्तफा नूर है और मुस्तफा रहमत है। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको नकी भेजा मगर आलमीन के लिए रहमत बनाकर। जैसे अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस रब के लिए जो तमाम जहानों का रब है, तमाम आलमीन का रब है। अल्लाह ताला जिस तरह से हर सेकंड, हर लम्हा, हर मिनट, हर घड़ी के लिए रब है, उसी तरह से मेरे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लम्हा, हर घड़ी, हर सेकंड, हर मिनट के लिए रहमत है। सुभान अल्लाह, बहुत घड़ी, हर लम्हा, हर मिनट के लिए मुस्तफा रहमत है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत आदम से पूछा, ए आदम तुम्हें मेरे हबीब का इल्म कैसे हुआ, तो फरमाया, मेरे परवरदिगार पूरी जन्नत में मैंने तेरे हबीब का नाम देखा था। और सुने, फरिश्तों ने हजरत आदम को सजदा किया था,
मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जब फरिश्तों ने हजरत आदम को सजदा किया था उस वक्त मैं उनकी पेशानी में मौजूद था। जब हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को आग में डाला गया था मेरे मुस्तफा फरमाते हैं उस वक्त मैं इब्राहिम की पेशानी में मौजूद था। क्या बात। जब हजरत इस्माइल अलैहि सलाम की गर्दन पर हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने उनको जबह करने के लिए छुरी चलाई थी मेरे आका फरमाते हैं उस वक्त मैं इस्माइल की पेशानी में मौजूद था। जब नूह की कश्ती किनारे लगी थी मेरे आका फरमाते हैं उस वक्त मैं नूह की पेशानी में मौजूद था। इसकी वजह मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ अगर फरिश्तों ने हजरत आदम को सजदा किया था तो पेशानी में नूरे मुस्तफा था इस वजह से किया था। जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया था मगर आग जला ना सकी थी नूरे मुस्तफा की वजह थी। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल पर छुरी चलाई थी गर्दन काटने के लिए मगर छुरी चली थी तो नूरे मुस्तफा की वजह थी। जब नौ की कश्ती का नारे लगी थी नूरे मुस्तफा की वजह थी क्योंकि मुस्तफा रहमत है और रहमत का माना के मदद फरमाना। मुस्तफा मदद फरमाते हैं मुस्तफा करम फरमाते हैं मुस्तफा रहम फरमाते हैं। इसी वजह से मंगते उनके दरबार में जाकर ये अरज करते हैं या रसूल अल्लाह कौन देता है देने को मोचा ही है देने वाला है सच्चा हमारा नबी और मेरे करीम से कर खतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मुस्तफा रहम फरमाते हैं और मंगते उनके दरबार में जाकर अरीजा पेश करते हैं मुस्तफा अता कर दो मुस्तफा रहम फरमा दो मुस्तफा करम फरमा दो क्योंकि रहमत का एक माना मदद फरमाना भी है। तो मुस्तफा मदद फरमाते हैं मुस्तफा रहम फरमाते हैं। तो ये जब नूरे मुस्तफा हजरत आदम अलैहि सलाम की पुश्ते मुबारक में आया उसके बाद से ये मुंतकिल होता हुआ ये नूर चला ये नूरे मुस्तफा मुंतकिल होता हुआ चला। मैं माइक वालों से गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ी इसकी आवाज खोलें और अगर ये खराब भी हो जाएंगे तो हमारे आसिफ भाई हैं तो पैसे देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ठीक है मोहब्बत से और बोल दें सुभान अल्लाह। असल में माइक थोड़ी आवाज खींच रहा है अब वो सही कर देंगे कोई ऐसी बात नहीं मोहब्बत से और बोल दें सुभान अल्लाह। तो जब ये नूर हजरत आदम अलैहि सलाम की पुश्ते मुबारक में आया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा पूरा नसब पाक है मेरा पूरा नसब पाक है और मेरा पूरा नसब पाक है पाक बाबों से पाक माओ में ये मुंतकिल होता हुआ आया है। क्या बात। पुश्त दर पुश्त पूरा नसब पाक है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब पाक है। तवज्जो फरमाएं आप मैं आपको सरकार का शजरा सुनाना चाहता हूँ। वाह 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 मोहब्बत से बोलते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूर मुंतकिल होता हुआ किस तरह चला है सुनना चाहते हैं सरकार का शजरा तो मोहब्बत से बोलते हैं सुभान अल्लाह। हजरते आदम अलैहि सलाम की पुश्ते मुबारक में नूर मुस्तफा था हजरते आदम के बेटे शीस हैं मोहब्बत से बोलते हैं सुभान अल्लाह। समी भाई हजरत आदम के बेटे शीस हैं शीस के बेटे यानस हैं यानस के बेटे केनान हैं केनान के बेटे महलाइल हैं महलाइल के बेटे बयारत बयारत के बेटे इदरीस इदरीस के बेटे मुतबशिर मुतबशिर के बेटे लमकनेक नाम के बेटे नूह नूह के बेटे साम साम के बेटे जुलहाक जुलहाक के बेटे शाले शाले के बेटे आबिर आबिर के बेटे दाता दाता के बेटे राबा राबा के बेटे सारू सारू के बेटे नाखुर नाखुर के बेटे तारुख तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह इस्माइल के बेटे केदार केदार के बेटे अबाम अबाम के बेटे हमल हमल के बेटे साबिर साबिर के बेटे सलमान सलमान के बेटे अलहिसा अलहिसा के बेटे अलियाजा अलियाजा के बेटे औद औद के बेटे औवा औवा के बेटे अदनान अदनान के बेटे मुआद मुआद के बेटे नजार नजार के बेटे मुदर मुदर के बेटे इलियास इलियास के बेटे मुद्रिका मुद्रिका के बेटे खजीमा खजीमा के बेटे किनाना किनाना के बेटे नदर नदर के बेटे मालिक मालिक के बेटे फहर फहर के बेटे गालिब गालिब के बेटे लुई लुई के बेटे काब काब के बेटे मुर्रा मुर्रा के बेटे किलाब किलाब के बेटे कुसई कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। अय्यबा नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत मौलाना समीर रजा रामपुरी नारे तकबीर आपने हक अदा नहीं किया
वाह वाह बहुत। आपने शजरे का हक अदा नहीं किया। अगर मैं आपके बाप का जिक्र सारी गलियों में करूं, अगर आपके दादा का जिक्र तमाम गलियों में करूं, आपको खुशी होगी क्या नहीं होगी जी? अगर इस जलसे में बैठकर मैं सरकार के दादाओं का जिक्र करूंगा तो मेरे सरकार खुश होंगे क्या नहीं होंगे? क्या बात। एक मरतबा और सुना दूं शजरा, सुना दूं, पढ़ दूं शजरा जी। ये ऐसी घड़ी है खुदा की कसम, अगर आप दुआ करोगे आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। क्या बात। तो सुने, आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे केनान, केनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबशिर, मुतबशिर के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हा, जुल्हा के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारो, सारो के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबिर, साबिर के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहिसा, अलहिसा के बेटे अलीगजा, अलीगजा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुआद, मुआद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला है, सरकार के वालिद, सरकार के अब्बा और अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरदार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर। वाह बहुत अच्छा। जब ये नूर हजरत आमिना खातून रजी अल्लाह ताला अन्हा के शिकमे मुबारक में आया, जब ये नूर मुस्तफा हजरत आमिना की शिकमे मुबारक में आया, हजरत आमिना के अंदर से मुश्क अंबर की खुशबू आना शुरू हो जाती है, मुश्को अंबर की खुशबू आना शुरू हो जाती है। हजरत आमिना फरमाती है, मेरा पहला मकीना था मुस्तफा, अब हजरत आमिना की शिकमे मुबारक में है। हजरत आमिना फरमाती है, मेरा पहला मकीना था, मुझे ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आए, एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और फरमाया, आमिना तुझे मुबारक हो, आमिना तुझे मुबारक हो, तू नबियों के सरदार को जन्म देने वाली है। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, तू नबियों के सरदार को जन्म देने वाली है। हजरत आमिना ने अरज की, आप कौन हैं? फरमाया, मैं तेरा बाप आदम अलैहिस्सलाम हूं। तो ख्वाब में बशारत देने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए। हजरत आमिना फरमाती है, मेरा दूसरा मकीना था, एक और बुजुर्ग तशरीफ लेकर के आए, फरमाया, आमिना तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो आमिना, जिनके सदके में अल्लाह ने तमाम कायनात को बना दिया है, तो उसको जन्म देने वाली है। हजरत आमिना ने फरमाया, आप कौन है? अरस की, आप कौन है? फरमाया, मैं शीस अलैहिस्सलाम हूं। तीसरा मकीना था, एक और नबी की बशारत है, उनसे पूछा गया, आप कौन है? तो फरमाया, मैं नूह अलैहिस्सलाम हूं। चौथा मकीना था, हजरत इदरीस आए। पांचवा मकीना था, हजरत हूद आए। छठा मकीना था, हजरत इब्राहिम बशारत देने के लिए आए। सातवां मकीना था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए। आठवां मकीना था, हजरत मूसा आए। नवा मकीना था, हजरत ईसा आए। हर मकीने में एक एक नबी की बशारत होती गई। उस सब ने कहा, आमिना तुझे मुबारक हो, तू उस बच्चे को जन्म देने वाली है, जिस बच्चे के सदके में अल्लाह ताला ने तमाम कायनात को सजा दिया है, बना दिया है। अल्लाहु अकबर। अब जरा तवज्जो करना, अब वो वक्त घड़ी आ जाती है, वो प्यारी सी घड़ी आ जाती है, जब मेरे मुस्तफा की विलादत हुई। जब मुस्तफा की विलादत नहीं हुई थी, पूरा मक्का के अंदर, पूरे अरब के अंदर अंधेरा की अंधेरा था। अल्लाहु अकबर, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन जब मुस्तफा की विलादत हुई, जब मुस्तफा की पैदाइश हुई, पूरे मक्का के अंदर नूर ही नूर आ गया, पूरे मदीने के अंदर नूर ही नूर आ गया, यमन के अंदर नूर ही नूर आ गया,
गया, पूरा मक्का चमका, पूरा अरब चमका, पूरा मदीना चमका, यमन चमका, पूरी दुनिया चमक गई, पूरी दुनिया चमक गई। तो आज हम इस जलसे से बैठ कर यहाँ से गुम्बदे खजरा की जानिब लो लगा कर सरकार की बारगाह में अरज करेंगे, या रसूल अल्लाह, ए अबू बकर को चमकाने वाले आका, ए उमर को चमकाने वाले आका, ए उस्मान को चमकाने वाले आका, ए अली को चमकाने वाले आका, इमाम आजम को चमकाने वाले आका, इमाम अहमद को चमकाने वाले आका, इमाम मालिक को चमकाने वाले आका, इमाम शाफई को चमकाने वाले आका, गौसे आजम को चमकाने वाले आका, ख्वाजा करीब नवाज को चमकाने वाले आका, मदारे पाक को चमकाने वाले आका, मखदूम सिमना को चमकाने वाले आका। या रसूल अल्लाह, पूरी दुनिया आपसे चमक रही है, पूरी दुनिया के अंदर आप ही का उजाला है, तो या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले और चमकाने की वजह ये है, किस लिए तुम हमारा दिल चमकाओगे, उसकी वजह ये है क्योंकि या रसूल अल्लाह तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना समीर रजा रामपुरी, नारे तकबीर। या रसूल अल्लाह दिल क्यों चमकाओगे, आप जिंदा हो इस वजह से आप दिल चमकाओगे, इसी को आला हजरत कहते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो मुस्तफा जब दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, पूरी दुनिया चमक गई, उस मुस्तफा से प्यार किया, उस मुस्तफा से मोहब्बत करा। अगर सरकार से मोहब्बत है तो सब कुछ है, अगर सरकार से मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज हम मोहब्बत का दावा तो करते हैं, क्या हमारी मोहब्बत सच्ची है? अगर हम ये कह देंगे कि मोहब्बत नहीं करते हैं तो ईमान के जाने का खतरा है, ईमान के जाने का खतरा है। मोहब्बत तो करते हैं, जैसे भी करते हैं, लेकिन कामिल मोहब्बत नहीं करते। जो मोहब्बत का हक है उस तरीके से मोहब्बत नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों, सरकार से सच्ची मोहब्बत करो, वो जो सरकार से मोहब्बत ना करे, जिसके दिल में सरकार की गुस्ताखी हो, उससे अपना ताल्लुक खत्म कर दो, उससे अपना ताल्लुक खत्म कर दो। आज हमारे मुआशरे का हाल क्या हो चुका है, अल्लाह अकबर, लोग अपनी बेटियों की शादी गुस्ताखों में कर रहे हैं, अपने बेटों की शादी लोग गुस्ताखों में कर रहे हैं, बस माल देख लिया, अकीदा चेक नहीं किया। बाद में पता चलता है कि जिससे शादी की है उसका अकीदा खराब है, वो नबी की बेअदबी करता है, नबी की शान में गुस्ताखियां करता है। माल देख कर निकाह मत करो, पहले सबसे पहले ये देखो कि उसका अकीदा कैसा है, उसके अकीदे में कोई खराबी तो नहीं है। अगर मुस्तफा का गुस्ताख हुआ, मुस्तफा की बेअदबी करता है, तो हजरत एक सिरे से निकाह होगा ही नहीं, एक सिरे से निकाह होगा ही नहीं। निकाह फकत इजाबो कबूल का नाम नहीं है। अगर कोई लड़का लड़की आपस में इजाबो कबूल भी करते हैं गवाहों की मौजूदगी में, वो लड़का या लड़की में से एक के अंदर अगर नबी की गुस्ताखी मौजूद है तो एक सिरे से निकाह होगा ही नहीं। तो सबसे पहले अकीदा देखा करो, और जो नबी का गुस्ताख है उससे ताल्लुक खत्म कर दो, चाहे वो तुम्हारा सगा बाप ही क्यों ना हो। अगर नबी का गुस्ताख है उससे अपना ताल्लुक खत्म कर दो, चाहे वो तुम्हारा सगा भाई क्यों ना हो। क्योंकि ये हमारा पैगाम नहीं है, ये कुरान ने पैगाम दिया। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिललाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इखवानहुम, उनसे अपना ताल्लुक खत्म कर दो। जो नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं, जो नबी को अपना जैसा कहते हैं, चाहे वो तुम्हारा सगा बाप ही क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारा सगा बेटा ही क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारे भाई क्यों ना हो, लेकिन अगर नबी की गुस्ताखी उसके दिल में मौजूद है तो उससे अपना ताल्लुक खत्म कर दो। आज हमारा हाल क्या हो चुका है, अगर कोई दूर का रिश्तेदार है, अगर कोई दूर का चचा है, अगर कोई दूर का मामू है और उसके दिल में नबी की गुस्ताखी है, वो नबी की गुस्ताखियां करता है, हम उससे अपना ताल्लुक खत्म करना नहीं चाहते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं हम उससे अपना ताल्लुक खत्म कैसे कर देंगे, फुला हमारा चाचा है, फुला हमारा मामू है। मेरे दोस्तों, ये सहाबा ने हमें पैगाम
पैगाम नहीं दिया है, ये नबी के मानने वालों ने हमें पैगाम नहीं दिया है। आओ मैं आपको बताता हूँ आखिर सहाबा का पैगाम क्या था। मेरे आका के प्यारे सहाबी हैं जिनका नाम हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा है। मेरे आका के सहाबी का नाम हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा है। जरा देखें ये कौन हजरत अबू उबैदा है। ये वो सरकार के सहाबी हैं जो अशराए मुबशरा में आते हैं, जिनको सरकार ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी है। ये वो सरकार के सहाबी हैं। अब आप जरा देखो आकर नबी से मोहब्बत कैसी है, नबी से इश्क कैसा है। जंगे उहुद है, उहुद का मैदान है, अबू उबैदा के सामने उनका बाप जर्रा है, वो सरकार की शान में बेअदबी करता है, अबू उबैदा का सगा बाप है। अब जरा तवज्जो करना, अबू उबैदा से उनके बाप ने कहा, जर्राह ने कहा, ए अबू उबैदा तू मेरा बेटा है, तू मेरी तरफ से लड़ाई क्यों नहीं करता है, तो मेरी तरफ से हो जाओ, तो मेरा सगा बेटा है। अल्लाह अकबर। तो हजरत अबू उबैदा ने कहा, ए मेरे बाप, मैं तुझसे ज्यादा सरकार से मोहब्बत करता हूँ। तू सरकार की शान में बेअदबी करता है, तू सरकार की शान में गुस्ताखियां करता है, मैं तेरी तरफ से कैसे हो सकता हूँ। उसके बाद में हजरत अबू उबैदा के बाप ने सरकार की शान में गुस्ताखी की। सरकार की शान में जैसे ही गुस्ताखी की है, अबू उबैदा ने अपनी तलवार को निकाला है। अब जरा तवज्जो करना, अगर आपका माबूद दूर का रिश्तेदार है और वो नबी का गुस्ताख है, आप उससे अपना ताल्लुक खत्म करना नहीं चाहते हो। अगर आपका चचा, अगर चचा दूर का है और नबी का गुस्ताख है, आप अपना ताल्लुक उससे खत्म करना नहीं चाहते हो। मगर अबू उबैदा का सगा बाप है, नबी की शान में गुस्ताखी की है। अबू उबैदा ने तलवार को निकाला, अपने बाप के सर को काटा और सरकार के कदमों में ला करके रख दिया। सरकार ने इरशाद फरमाया, अबू उबैदा क्या लेकर के आया है। अबू उबैदा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अपने बाप का सर काट के लेकर आया हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू उबैदा अपने बाप का सर क्यों काट दिया। अबू उबैदा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपकी शान में गुस्ताखी करता था, इससे क्या पता चला। अगर सगा बाप नबी का गुस्ताख है, उससे अपना ताल्लुक खत्म कर दो, क्योंकि बाप बाद में है, मुस्तफा की मोहब्बत पहले है, बाद में आई, मुस्तफा की मोहब्बत पहले आई, बेटा बाद में आई, मुस्तफा की मोहब्बत पहले आई, बहन बाद में आई, मुस्तफा की मोहब्बत पहले आई, चचा बाद में आई, मुस्तफा की मोहब्बत पहले आई, चाची बाद में आई, मुस्तफा की मोहब्बत पहले आई, मामू बाद में आई, मुस्तफा की मोहब्बत पहले आई, तमाम रिश्तेदार बाद में आए, मुस्तफा की मोहब्बत पहले आई, क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्ते अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्ते अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सबसे पहले मुस्तफा का इश्क है। अबू उबैदा ने अपने बाप का सर काटा और दुनिया वालों को ये पैगाम दिया, नबी का गुस्ताख तुम्हारा अगर सगा बाप है तो उसको छोड़ दो, हम कत्ल तो नहीं कर सकते, मगर उससे अपना रिश्ता खत्म कर दो। और हमारा हाल क्या हो चुका है, दूर का रिश्तेदार है, दूर का रिश्तेदार है, बहुत दूर का रिश्तेदार भी है, तो उससे ताल्लुक खत्म नहीं करना चाहते। मौलाना हमारी बात खराब हो जाएगी मेरे दोस्तों, बात यहाँ पर तुम बना रहे हो, यहाँ बात खराब हो जाएगी तो क्या होगा, कल मैदान महशर में बात खराब नहीं होना चाहिए। अगर चाहते हो कि मुस्तफा की शफाअत मिले, गुस्ताख रसूल से कभी समझौता मत करना। जो नबी का गुस्ताख है उससे तमाम ताल्लुक छोड़ दो, तमाम ताल्लुक अपना मुनकता कर दो, उससे रिश्तेदारी खत्म कर दो, खाना पीना सब बंद कर दो, चाहे कोई नाराज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर नबी का गुस्ताख आपकी बस्ती में है तो उससे कभी बात मत करना। और हो सके तो सब मिलकर उसका बायकॉट करो, सब मिलकर उसका बायकॉट करो। यकी सहाबाए कराम ने हमें पैगाम दिया है, उनकी अगर आप उनकी सीरत का मुताला करोगे तो आपको पता चलेगा, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अनु अपने बेटे से बात कर रहे थे, अब्दुर रहमान से, तो उन्होंने कहा, अब्बा जान,
जंगे बदर में कई मर्तबा ऐसा हुआ कि आप कई मर्तबा मेरी तलवार के सदमे आए, लेकिन मैंने अपना बाप समझकर आपको छोड़ दिया। कई मर्तबा आप तलवार की जंग में आए, लेकिन मैंने बाप समझकर छोड़ दिया। अब कुर्बान जाओ अबू बकर की मोहब्बत पर, कुर्बान जाओ अबू बकर के इश्क पर। हजरत अबू बकर ने इरशाद फरमाया, अब्दुल रहमान मेरे बेटे, तूने मुझे अपना बाप समझ के छोड़ दिया, लेकिन अगर तू मेरी तलवार के सदमे आ जाता तो मैं तुझे नहीं छोड़ता, मैं तुझे नहीं छोड़ता बल्कि गुस्ताखे रसूल समझ कर तेरी गर्दन को काट देता। ये इश्क है, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत का पैगाम दिया है, ये इश्क का पैगाम सहाबा ने दिया है। कोई भी हो, सगा बाप हो, सगा भाई हो, कोई भी हो, अगर गुस्ताखे रसूल है तो उससे अपना रिश्ता नाता तोड़ 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 उससे खत्म कर दो। मोहब्बत करो सरकार से, सच्ची मोहब्बत सरकार से, सच्चा इश्क करो, क्योंकि अगर सरकार की मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अगर सरकार की मोहब्बत है तो सब कुछ है। आपको मालूम है कि सहाबा ने कैसा इश्क किया है? अल्लाह अकबर। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा था, उस वक्त ज्यादा मुसलमान नहीं हुए थे। हजरत अबू बकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं और अरज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं ऐलानिया तो